हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन का, कोई भी एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन का आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का आपको अगर ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कहा जाता है तो कैसे बनाएंगे, वही अभी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सो एक्सप्रेशन हमें यहाँ दिया गया है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यानी कि और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ओके, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इनपुट्स आइडेंटिफाई कर लेने की क्या क्या आपको आवश्यकता है। तो ए चाहिए हमें, बी चाहिए, सी चाहिए, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और सी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इतना ज़्यादा हालांकि सोचने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपली सोचिए कि ए बी सी है तो ए बी सी हमें चाहिए। सो ए बी सी चाहिए तो इसके लिए हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल मैंने ये बनाया, इस टेबल को कैसे बनाना है वो देख लीजिए कि इस टेबल में हम लोग कैसे यहाँ लिखेंगे कि क्या क्या हमें लिखना है। सो ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ए बी सी चाहिए, तो मैंने ए बी सी तीन चीज़ें लिख ली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। फिर हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। फिर मैंने मुझे यहाँ चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने सी कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ लिख दिया। अब मुझे ये कि ये पूरा चाहिए होगा, सो मैंने ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। सी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, छोटा सा आया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ भी ए में कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो मुझे ये चाहिए था तो मैंने ये इस पूरे का एक यहाँ कॉलम बनाया है। फिर ये पूरा चाहिए था तो इस पूरे का मैंने एक कॉलम बनाया। फिर इन दोनों को मिलाकर ये पूरा एक्सप्रेशन एट दिन हमें आना चाहिए, तो इसका मैंने एक अलग कॉलम बनाया हुआ। इसी तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं सभी का आपको कॉलम सेपरेट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है कि किस तरीके से बनाना, किस तरीके से। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको कैसे यहाँ ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ अगर प्लस में अगर बी सी दिया हुआ रहता तो आपको एक बी सी का अलग से कॉलम बनाना होता। अगर प्लस देके ए डी लिखा हुआ रहता तो आपको ए डी का एक अलग से कॉलम बनाना पड़ता। ठीक है, और फिर ये एक अलग सा बड़ा सा कॉलम बनता सबको मिलाकर एट द एंड। ओके, मतलब जिस तरीके से हम लोग सर्किट बनाते हैं बिल्कुल उसी रूल को यहाँ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर इसका अगर आपको सर्किट बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ हम लोग सर्किट देखते हैं कि सर्किट इसका किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर आपको सर्किट कहा जाएगा तो आप ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने यहाँ सर्किट बनाते वक्त लिख लिया। हम ट्रूथ टेबल में आप देखेंगे हमें तीन चीज़ आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, हालांकि स्ट्रेट लाइन ये है नहीं, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन लेते हैं। और हमें ए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता थी तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से खींच लेते हैं कि चलो ये ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया। फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो फिर हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से बना लेते हैं, चलिए ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया। फिर सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सी कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, चलिए हम लोग ये सी कॉम्प्लीमेंट हमारा बन गया। फिर ए यहाँ से खींच देते हैं, हम लोग सर्किट बना रहे हैं तो ए यहाँ से आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ है और सी कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ है। तीनों को हम लोग क्या करते हैं कि एंड गेट से जोड़ देते हैं। एंड गेट से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ एंड है, ये ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हम लोग एंड गेट से इसको जोड़ देते हैं। फिर इसको हम लोग पहले उसके बाद हम लोग इसको करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ जैसे कि मैंने इसलिए मैंने यहाँ अलग से इसको लिखा हुआ, फिर मैंने इसको अलग से लिखा हुआ, देन लास्ट में हम लोग दोनों को करते हैं। बस इसी सर्किट वाले रूल को फॉलो करके यहाँ बनाया गया। देखिए, पहले ए बी सी था तो पहले हम लोगों ने ए बी सी का तीन लाइन स्ट्रेट लाइन खींचा। उसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ भी मैंने ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। फिर इसमें एंड गेट लाकर हम लोगों ने ये बनाया, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये बनाया, तो ये यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है। फिर अब हमें ये बनाना है तो यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें ये बनाने का सकता, चलिए बनाते हैं इसको। ये हो गया हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, हमें सिर्फ बी चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। और ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, सी, तो इसको हम लोग एंड गेट से जोड़ देते हैं। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि प्लस वाले को लेंगे, यानी कि और को लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये और से कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा, ये आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ ये क्या है, यहाँ ये है, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये है, और यहाँ आपका है ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी। ठीक है, और फाइनली ये आपको आउटपुट पे यहाँ मिल जाता है क्या, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो ये इसका सर्किट हो गया। तो इसी चीज़ को फॉलो करके हम लोगों ने सिर्फ यहाँ टेबल में उसी चीज़ फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ, ठीक है, और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, सो बात करते हैं यहाँ हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने की। तो यहाँ भी थोड़ा सा ये छोटा सा आ गया है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
यहाँ भी ये कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ भी ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ओके सो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे ये ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे, वही अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके सो ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे टाइटल लिखना है, इसका आपको पता चल गया होगा। ओके अभी देखिए, हम लोग लोगों ने इतने सारा गेट पढ़ा हुआ है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नोर गेट, बहुत सारे गेट, 7 टाइप ऑफ गेट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने ट्रूथ टेबल भी उस वक्त देखा हुआ था, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में 3 इनपुट, इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो इस टेबल में हमें ए बी सी चाहिए, 3 इनपुट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको इनपुट है तो अगर आपका आपके पास इनपुट, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास 3 इनपुट है, तो आपको इसका पॉसिबिलिटीज़ लिखना है। अगर आप पॉसिबिलिटीज़, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, तभी आपका ट्रूथ टेबल बनेगा। तो इसके पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने उस वक्त एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, 2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला था 2 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ करते जिसमें कि यानी क्या है, एन है नंबर ऑफ इनपुट्स, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इसको कह सकते हैं आप। तो 2 टू द पावर यहाँ हो जाएगा 3, जो कि अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 2, 4, 8। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 8 को 2 से डिवाइड करो, 8 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 4। तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 टाइम 0 लिखना है, देन आपको 4 टाइम 1 लिखना है, देन इस 4 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, और इक्वल आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो आपको अब की बार इसमें 2 टाइम 0 लिखना है, देन 2 टाइम 1 लिखना है। इस तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करते थे, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर इस 2 को फिर से डिवाइड करना है, 2 से आपका 1 आ जाएगा, तो आपको यहाँ 1 टाइम 0, देन 1 टाइम 1, देन 1 टाइम 0, देन 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, देन 1 टाइम 1, 0, 1, इस तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटीज़ पता लगा लेते हैं, ठीक है। 3 इनपुट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी, सारी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है अब, ठीक है। अब इससे हमें कोई लेना नहीं, यहाँ 1 आ जाता है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ इस टेबल में देखिए पूरी तरीके से, ए अगर 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, हम लोग जानते हैं नॉट गेट में कि ए अगर 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 1, यानी कि यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, ए में देखना है, ठीक है, कहीं नहीं देखना। अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट है तो हमें ए में देखना है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यानी कि ए में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने 0 कर दिया, और ए में जहाँ जहाँ 0 वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने 1 कर दिया। सेम चीज़ को फॉलो करके हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें बी देखना है, तो बी में जहाँ 0 है वहाँ हमें 1 कर देना। तो यहाँ 0 था तो यहाँ 1 किया, यहाँ भी 1 किया, ओके। यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0, देन यहाँ 0 है तो यहाँ 1, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0। बी कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब सी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सी देखना है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 लिखना है, देन 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये कॉम्प्लीमेंट निकालना हम लोग जानते हैं कि बहुत ही आसान है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल गया, यानी कि हमारे पास अब ए बी सी है, और ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये कैसे निकलेगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें है ए एंड कुछ नहीं है, तो यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब एंड, तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो एंड का ट्रूथ टेबल कैसे हम लोग निकालते थे, एंड गेट में आपको जाना है और वहाँ का ट्रूथ टेबल देखना है कि अगर इन अगर एक्सप्रेशन आपका एंड गेट में हो तो उसमें ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे निकालते थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों एक काम कीजिए कि मैं यहाँ ले आता हूँ एंड गेट के टेबल को। तो मैंने यहाँ एंड गेट के टेबल को ले आया। आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ कि एंड गेट में हम लोगों ने देखा था ट्रूथ टेबल कि अगर दोनों ही इनपुट 1 1 हो तो ही इसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में ये 0 होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ ए है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, 3 चीज़ें हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ यहाँ हमारा ए हमें देखना है, देन हमें देखना है बी कॉम्प्लीमेंट, और हमें देखना है सी कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों को लेकर हमें चलना है और यहाँ आउटपुट लिखना है, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि अगर इन तीनों आउटपुट में, जैसे कि इसको अगर एग्जांपल लें, तो इन दोनों में अगर 1 1 है तो 1 होगा, बाकी सभी केसेस में ये 0 होगा। इस तरीके से अगर इन तीनों में, यानी कि ए में, बी कॉम्प्लीमेंट में और सी कॉम्प्लीमेंट में, अगर तीनों में 1 1 है तभी यहाँ 1 होगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में ये 0 होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले
यहाँ जीरो है तो जाहिर सी बात है ये जीरो हो जाएगा, तीनों में से कोई एक भी अगर जीरो है तो आउटपुट आपका जीरो आएगा। यहाँ भी देखें तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी देखें तो ये भी जीरो, यहाँ भी देखें तो ये भी जीरो, क्योंकि इसमें जीरो जीरो है तो सब में जीरो जीरो हमारा हो गया, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन तीनों, ये तीन जो है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये तीनों ही वन होने चाहिए, तीनों ही वन होने चाहिए तभी वन होगा यहाँ, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में जीरो होगा। तो यहाँ तो हमें पहले ही जीरो मिल जा रहा है, तो इसका हम लोगों ने जीरो जीरो लिख दिया। अभी यहाँ वन है, यहाँ वन है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में भी वन है, सी कॉम्प्लीमेंट में भी वन है, वाह क्या बात है। तो यहाँ आपका ये वन हो जाएगा इस केस में। अब इस यहाँ इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ वन है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी वन है, लेकिन सी कॉम्प्लीमेंट में ये जीरो है, तो इस केस में आपका ये जीरो हो जाएगा। तीनों में ही वन होना चाहिए, यहाँ वन तभी होगा जब तीनों में वन होगा। इसके अनुसार ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, फिर ये किसी ने बोला नहीं है, ये रूल है एंड गेट का, कि जब सभी आउटपुट वन होते हैं तभी, सॉरी सभी इनपुट वन होते हैं तभी उसका आउटपुट वन होगा, बाकी सभी केसेस में वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। यहाँ देखें तो ये वन है लेकिन यहाँ जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ वन है लेकिन यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। सो एक हमें ऐसा केस मिला है जिसमें कि तीनों ही वन थे, ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, तो हम लोगों ने आउटपुट वन लिखा, बाकी सभी केसेस में कुछ ना कुछ जीरो है, या तो ए जीरो है या फिर बी कॉम्प्लीमेंट या फिर सी कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई दो जीरो है, मतलब तीनों एक नहीं है, तीनों वन नहीं है, इसीलिए हमारा बाकी सभी केसेस में वो जीरो जीरो आया। तो ये कॉलम क्लियर हो गया आपका। अब इस कॉलम की बात करते हैं, इसमें क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी और सी लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसको हम लोग अलग से निशान बनाते हैं, जैसे कि इस एरो को देते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, देन हमें बी लेना है और सी लेना है, तो ये तीन चीज़ों को हमें देख कर चलना है और यहाँ आउटपुट लिखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट तो वन है लेकिन बी और सी में जीरो जीरो है, तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा। तीनों में ही वन होना चाहिए, तीनों में ही वन होना चाहिए तभी यहाँ आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज नहीं। ये तीनों क्या है, ये तीनों इनपुट है, जैसे कि यहाँ ए बी है उस तरीके से ये तीन हो गया, ए बी सी हो गया, तो तीनों में ही वन होगा तभी यहाँ वन होगा। इस तरीके से हो सकता है कि चार इनपुट मिले आपको, छः इनपुट मिले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूल है वो रूल है। अगर छः इनपुट, जब तक छः इनपुट में वन वन ना हो तब तक आपका आउटपुट वन नहीं आने वाला है। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो हम लोग देख रहे थे इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ है और बी सी में जीरो जीरो, तो हम लोगों ने जीरो लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट में वन है और लेकिन बी में जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ देखते हैं तो ये वन है, ये भी वन है लेकिन सी जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये वन है, ये वन है और ये भी वन, यानी कि इस केस में तीनों ही वन वन है, तो यहाँ ये वन हो जाएगा। फिर उसके नीचे आते हैं, यहाँ देखना हमें इसको नहीं देखना, ठीक है ना, गलत गलत नहीं करना है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ जीरो जीरो, तीनों में ही जीरो, तो ये तो जीरो होना ही है। देन इसकी बात करें तो यहाँ दो जीरो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपका जीरो होगा ही होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा कि सिर्फ यहाँ इस केस में ए कॉम्प्लीमेंट वन है, बी और सी वन है, यानी कि ये सिर्फ इस केस में तीनों ही वन, इसलिए आउटपुट यहाँ इसका वन आया है, बाकी सारे केसेस में कहीं ना कहीं जीरो मिला है, इसीलिए बाकी सभी सभी का जो आउटपुट है वह हमें जीरो मिला है, ठीक है। सो इतना हमारा बन चुका है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। सर्किट की बात करें तो सर्किट में हम लोगों ने सभी का एंड गेट बना लिया, एंड गेट से बना लिया, अभी हमें सिर्फ एक और गेट बनाने की बात है, तो और गेट का लिए हम लोग यहाँ ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। और गेट आप लोगों को याद होगा, तो और गेट का नियम था ट्रूथ टेबल का, ट्रूथ टेबल आई होप कि आप लोगों को याद हो, अगर याद नहीं है तो उसको भी हम लोग यहाँ ले आते हैं। देखिए और गेट हमारा और गेट भी आ गया। अब और गेट क्या कहता था, और गेट कहता था कि दोनों में से कोई एक भी अगर वन है तो आउटपुट वन आएगा, यानी कि अगर दोनों ही जीरो हैं तो जीरो होगा, यानी कि तीनों ही जीरो हैं तो जीरो होगा। यहाँ इस टेबल की हम लोग बात करें तो तीन तीनों ही अगर जीरो होगा तो जीरो होगा, या फिर देख लेंगे कि क्या है इसमें कंडीशन। तो फिलहाल के लिए अगर इस और गेट की बात करें, इसमें कहा जाता है कि अगर आपका दो इनपुट है और दोनों ही अगर जीरो है तो उस केस में आपका आउटपुट जीरो होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक वन पाया जाता है तो उसका आउटपुट आपको वन लिखना है। तो हमारे पास यहाँ देखें तो तीन इनपुट नहीं बल्कि दो ही इनपुट हैं, एक ये पूरा टोटल और एक ये पूरा टोटल, बिकॉज हम लोगों ने इसको इंडिविजुअली निकाल लिया हुआ है। तो हम लोग इसको और इसको लेकर अभी चलेंगे, ठीक है। यहाँ जीरो जीरो है और गेट के अनुसार, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये और गेट के अनुसार काम करेगा, ठीक है। यहाँ एंड गेट के अनुसार काम करता था क्योंकि यहाँ एंड था, ठीक ना, इसीलिए ये
एंड गेट के अनुसार काम करता था, बट अब यहाँ प्लस है यानी कि ये और गेट के अनुसार काम करेगा। तो यहाँ जीरो जीरो है तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो जीरो है तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो जीरो है तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा, यहाँ देखिए जीरो वन है तो दोनों में से कोई एक भी अगर वन होता है तो और गेट में हम वन लिखते हैं, तो वन लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ भी वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए यहाँ जीरो जीरो तो यहाँ तो वन होगा नहीं, यहाँ जीरो होगा, यहाँ भी जीरो जीरो तो यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी जीरो जीरो तो यहाँ भी जीरो। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग को शांत रखना है, गेम सिर्फ जीरो और वन का है, लेकिन बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन पजल जैसा ही है, ठीक, खो जाते हैं इसमें कहाँ जीरो लिखना है कहाँ वन लिखना है, ठीक है। सो ध्यान से शांत दिमाग से बनाना है, एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, इसमें मार्क्स कटने का चांस ही नहीं रहता। ओके, सो गाइज इसी तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल इस तरीके से बना सकते हैं, बस आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि एंड गेट कैसे, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या था, और गेट का क्या था, नॉट गेट का क्या था, और बाकी सारे जो गेट हैं उनका ट्रूथ टेबल क्या है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी एक्सप्रेशन का सर्किट बना सकते हैं, किसी भी सर्किट का एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और किसी भी एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।